तीसरी चीज बॉर्डर का, एक एक इंच बॉर्डर का हम सुरक्षा करेंगे ताकि वहां से कोई आतंकवादी ना आ सके और नशे का एक ग्राम भी वहां से पाकिस्तान से इधर नहीं आने देंगे। चौथी चीज, कुछ अफसरों से मैं बात कर रहा था, ये आजकल ड्रोन बहुत आने लग गए पाकिस्तान की तरफ से, इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी फौजें, बीएसएफ, पुलिस, इनके पास साधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इनको लेटेस्ट से लेटेस्ट सबसे आधुनिक तकनीक देंगे, कोई ड्रोन आए तो सीधे उसको मार गिराओ, ऐसी तकनीक हम अपने फौजियों को देंगे। और पांचवी चीज, जितने भी अपने गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, डेरे हैं, हरेक की सुरक्षा करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स बनाई जाएगी ताकि दोबारा कोई बेअदबी का कांड ना हो। तो ये पांच चीजें मैंने बताई हैं, पंजाब के अंदर शांति, सुरक्षा और भाईचारे का माहौल कायम करने के लिए। आज मैं पंजाब के लोगों को ये आश्वासन और गारंटी देके जा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो होगी ईमानदार होगी, सशक्त होगी, स्ट्रांग होगी और पंजाब के अंदर शांति का माहौल कायम करेगी। पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने गुटके की कसम खाई थी कि उनकी सरकार बनेगी तो एक महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। नशा खत्म हुआ? बड़ा है नशा, बड़ा है नशा, हर पिंड के अंदर नशा आज भी बिक रहा है, घर घर के अंदर नशा है। हमारे यूथ, हमारे युवा, हमारे बच्चे या तो कनाडा चले गए और जो बच गए वो बेचारे नशे के अंदर डूब गए। आज पंजाब का युवा क्राइसिस के अंदर है। क्या हुआ इनका? पांच साल बाद अब जब दोबारा चुनाव आए हैं तो इन्होंने मजीठिए के खिलाफ एक पर्चा दाखिल कर दिया। पांच साल लग गए इनको एक पर्चा दाखिल करने में और बब्बर शेर की तरह चिल्ला रहे हैं वो सिद्धू साहब और चन्नी साहब, हमने पर्चा कर दिया, हमने पर्चा कर दिया, हमने। अरे क्या कर दिया तुमने? एक पर्चा करने से पिंडों में ड्रग खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया? मैं पूछना चाहता हूं, नशा बिकना बंद हो गया? वैसे नशा बिक रहा है? एक पर्चा करके चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इनका मकसद नशा दूर करना नहीं है, इनका मकसद दोबारा चुनाव में वोट बटोरना है।